वेलकम टू ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फाइलम मोलस्का के कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये पाइला है, काइटन है, डेंटेलम है, ऑक्टोपस है, ऑस्ट्रिया है और लाइमेक्स को हम डिस्कस करेंगे और इनकी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन हम एक बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। ये बुक का नाम है इनवर्टिब्रेट जूलॉजी और ये है 7th एडिशन बुक का। तो और इनके जो ऑथर हैं वो रॉबर्ट फॉक्स और बॉन्स हैं। पाइला, पाइला को हम कॉमनली एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फाइलम क्या है, हमारा मोलस्का है। बॉडी क्या है, ये सॉफ्ट बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की और अनसेगमेंटेड है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, शेल पाया जाता है और फूड प्रेजेंट होता है। अगर इसका क्लास देखें तो क्लास गैस्ट्रोपोडा होता है। गैस्ट्रोपोडा का जो विसरल मास होता है वो ट्विस्टेड होता है। अगर हम विसरल मास की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी। इसके अलावा रेस्पिरेटरी, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो विसरल मास में इंक्लूड होता है और ये क्या है, ट्विस्टेड हो जाता है ड्यू टू टॉर्जन। तो गैस्ट्रोपोडा में टॉर्जन पाया जाता है। जीनस पाइला है। अगर हम हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है फ्रेश वाटर है और ये जनरली जो पाया जाता है पॉन्ड में पाया जाता है और जो राइस फील्ड होते हैं वहाँ पाया जाता है। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एम्फीबियस नेचर को शो करता है। तो एम्फीबियस नेचर का मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल भी लाइफ स्पेन कर सकता है और दूसरा क्या है, जो वाटर में भी जो लाइफ है उसको स्पेन कर सकता है, यानी दोनों में पाया जाता है ये। इसी को एम्फीबियस नेचर कहा जाता है। ड्यूरिंग जो ड्राउट कंडीशन होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इनएक्टिव होता है, जिसे हम कहते हैं डोरमेंट स्टेट पे चला जाता है। और अगर विंटर का टाइम हो तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, हाइबरनेट करता है इनसाइड द मड जो कि नियर टू द पॉन्ड होता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें ये मोस्टली क्या है, इंडिया, यूएसए और यूरोप में पाया जाता है। और जो हमारा पाइला है इसे हमने अभी डिस्कस किया कि ये कॉमनली इसे एप्पल स्नेल कहते हैं और एप्पल स्नेल कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली में जो इसका जो अपेरेंस होता है एप्पल लाइक होता है, तो इसीलिए हम इसको एप्पल स्नेल बोल देते हैं। जो बॉडी होती है वो कवर्ड होता है यूनिवॉल्व शेल से। तो अगर हम पिक्चर में देखें तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है तो ये आउटर जो कवरिंग है, ये इस आउटर कवरिंग को हम क्या कह रहे हैं, शेल कह रहे हैं। और ये क्या है, यूनिवॉल्व होता है। यूनिवॉल्व का मतलब होता है जिसकी ओनली वन ओपनिंग होती है, उसको यूनिवॉल्व कहा जाता है। इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये पाइला, इसका जो शेल होता है उसमें कुछ ग्रोथ क्या है, लाइंस पाई जाती है। उन ग्रोथ लाइंस के अकॉर्डिंग जो पाइला है उसका क्या है, एज को हम क्या करते हैं, पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये पाइला है इसका जो शेल होता है वो कॉइल्ड होता है राइट हैंडेड, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं डेक्स्ट्रल। अगर हम पिक्चर में देखें तो ये जो कॉइलिंग आपको दिखाई दे रही है, ईच कॉइलिंग को हम वॉल कहते हैं और जो ये कॉइलिंग होता है वो राइट हैंडेड होता है, तो इसीलिए हम इसको डेक्स्ट्रल कह रहे हैं।
इसके अलावा हमने कहा कि जो ये लिविंग ऑर्गेनाइज्म है, इसके जो बॉडी है यानी शेल है, तो शेल में कुछ इस तरीके की लाइनिंग पाई जाती है। तो ये जो लाइनिंग है, इनको क्या कहा जाता है? ग्रोथ लाइंस कहा जाता है। इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है वो क्या है? वेल डेवलप्ड है, और जो इसका हेड होता है वो डिस्टिंक्ट होता है। हेड में क्या है? टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और सिफेलिक आइज प्रेजेंट होता है। लोकोमोशन के लिए इनके पास जो फुट होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, और जो क्या है, अटैचमेंट में हेल्प करता है और कीपिंग मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनाइज्म को अगर ब्रेक करें, यानी उसके शेल को अगर हम ब्रेक करें, तो जो सॉफ्ट जो बॉडी है वो बाहर आ जाएगा, और हम देखते हैं कि वो जो बॉडी है वो डिविजिबल होता है हेड, फुट और विसरल मास में। जो इसका माउथ होता है, माउथ ऑफ शेल, ये क्या होता है? वाइड होता है। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा माउथ है, तो ये माउथ ऑफ द शेल है, तो ये क्या है? बिल्कुल ही वाइड हमको दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा माउथ है, और ये जो कवर्ड होता है, ओपरकुलम से कवर्ड होता है, तो ये एक क्या है? ये ओपरकुलम आपको दिखाई दे रहा है, तो ये ओपरकुलम है, तो इसे हम कहते हैं ओपरकुलम। इसके अलावा जो क्या कहते हैं कि जो ओपरकुलम है, तो उसमें ये जो सेंटर वाला जो रीजन ये दिखाई दे रहा है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस की तरफ भी क्या है, कुछ ऐसी लाइनिंग प्रेजेंट होती है। तो ये जो लाइनिंग है, अगर आप देख रहे हैं कि ये जो लाइनिंग है, इन लाइनिंग को कंसेंट्रिक लाइंस ऑफ ग्रोथ कहा जाता है, और इन लाइन से भी हम क्या है कि पाइला का एज है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अम्बिलिकस और कॉलोमिलर जो लिप होता है वो एक बिल्कुल क्लोज होता है टू ईच अदर। तो हम देखते हैं अम्बिलिकस और इनर और कॉलोमिलर जो लिप है बिल्कुल आपस में यहाँ क्लोज है। जो सेक्सेस होते हैं पाइला के वो सेपरेट होते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जो हमारा नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लाइमेक्स है, जिसको हम ग्रे स्लग भी कहते हैं कॉमनली। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम हमारा मोलस्का है। मोलस्का में क्या है, जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होता है, अनसेगमेंटेड होता है, शेल प्रेजेंट होता है, फुट प्रेजेंट होता है। क्लास क्या है हमारा? गैस्ट्रोपोडा है, तो जिसमें विसरल मास क्या है? ट्विस्टेड होता है। जीनस लाइमेक्स है। अगर हैबिट और हैबिटेट की अगर हम बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल है, तो इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल है तो इसका जो रिस्पायरेशन होता है वो मेंटल कैविटी के थ्रू होता है। तो और इसी वजह से क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉइस्ट प्लेस पे पाया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉक्टर्नल है और हर्बीवरस नेचर है इसका। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉस्मोपॉलिटेंट है, यानी ये ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी जैसे हमने बात करी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है होता है उसको कॉमनली हम ग्रे स्लग भी बोलते हैं। तो ग्रे स्लग कहने का रीज़न ये है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसका कलर ग्रे होता है, तो और इसी वजह से इसे ग्रे कहा जाता है, और स्लग होता है, तो इसलिए वजह से हम ग्रे स्लग कहा जाता है। बॉडी क्या है अगर हम देखें, तो वह इलोंगेटेड बॉडी है, और बॉडी क्या होती है? डिवाइडेड होता है थ्री रीजन में, हेड, फुट और विसरल हम। तो अगर हम पिक्चर देखें तो ये हेड रीजन है हमारा, हेड। जो फुट है तो समथिंग लाइक यहां प्रेजेंट होता है फुट, यानी वेंट्रल प्रेजेंट होता है, और ये हमारा जो रीजन देख रहे हैं हम, इसे हम कहते हैं विसरल मास, यानी विसरल हम कहते हैं। जो हेड होता
हेड में क्या है, माउथ प्रेजेंट है, टेंटिकल प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है, और क्या है, ये जो आई होता है टेंटिकल के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें तो ये हमारा माउथ है, माउथ, और ये हमारा टेंटिकल है, और टेंटिकल के ऊपर क्या है, आईज प्रेजेंट है। तो ये जो हमको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो ये आईज है। इसके अलावा हमने इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा है कि जो इसका मेंटल स्कर्ट है वो इस तरीके से ग्रो करता है बैक साइड की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मेंटल कैविटी होता है वो कम्प्लीटली इंक्लूज्ड हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, नॉक्टम कहते हैं। और इस नॉक्टम में क्या है, राइट साइड की तरफ एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं निमेटोस्टोम। तो अगर हम देखें तो ये जो आपको स्ट्रक्चर बैक साइड की तरफ दिखाई दे रहा है तो हम इसे कहते हैं नॉक्टम, और इसकी जो ये ओपनिंग है इसको निमेटोस्टोम कहते हैं। और जो रिस्पायरेशन होता है इसमें, हम रिस्पायरेशन कहते हैं पल्मोनरी टाइप का होता है। पल्मोनरी टाइप का रिस्पायरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रिस्पायरेशन हो रहा है वो मेंटल कैविटी के थ्रू हो रहा है, मेंटल कैविटी के थ्रू हो रहा है। अब यहाँ जो बात आती है कि जो वर्ड आता है पल्मोनरी, ये लंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ मेंटल कैविटी से रिस्पायरेशन हो रहा है तो हम लंग्स क्यों यूज़ करते हैं ये वर्ड? ये इसलिए यूज़ करते हैं कि जो मेंटल कैविटी का जो मैकेनिज्म होता है वो सिमिलर होता है, सिमिलर मैकेनिज्म होता है किसके, हमारे लंग्स के मैकेनिज्म के सिमिलर होता है, इसीलिए हम यहाँ जो पल्मोनरी वर्ड यूज कर रहे हैं और लंग्स वर्ड यूज कर रहे हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये हर्मोफ्रोडाइट है। नेक्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सी काइटन है, तो हम इसे काइटन बोलते हैं, और जो इसको कॉमनली जो बोलते हैं इसे हम बोल देते हैं सी माउस बोल देते हैं। सी माउस बोलने का रीज़न ये है कि अगर इसका जो हम देखें मॉर्फोलॉजी तो ये अपरेंस क्या है, माउस की तरह दिखाई देता है। तो और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सी में पाया जाता है, इसलिए हम सी माउस बोल देते हैं। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो जो फाइलम है ये मोलस्का है, मोलस्का की जो बॉडी होती है सॉफ्ट बॉडी होती है, अनसेगमेंटेड हो गया, शेल प्रेजेंट होता है, फुट प्रेजेंट होता है। क्लास क्या है, पॉलीप्लेकोफोरा है। पॉलीप्लेकोफोरा का मतलब होता है जिनमें क्या है, 8 शेल प्लेट प्रेजेंट होती है, और जो फ्लैट क्या होता है, फुट होता है। जीनस क्या है, काइटन है। और अगर हम हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही स्लो मूविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और मैराइन में क्या है, पाया जाता है। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इनका जो फुट है वो हाईली एडेप्टेड है। क्या है, वो फुट एडेप्टेड है किसी भी सबस्ट्रेटम, हार्ड सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने के लिए। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये नॉक्टर्नल है, इनके फूड में एल्गी और डायएटम क्या है, शामिल होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि हमने अभी बात किया है कि जो काइटन होता है ये एडेप्टेड होता है किसी भी हार्ड सरफेस के साथ अटैच होने के लिए, और ये जो टाइडल जो इंटरटाइडल जो जोन्स होते हैं वहाँ पे ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या करते हैं, अपने एडेप्टेड जो फुट होता है उसके थ्रू हार्ड सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या है, वाटर का जो करंट होता है वो उसको क्या है, अपने साथ मूव करके लेके नहीं जा पाता है। दूसरा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर डॉर्सल व्यू देखें तो डॉर्सल व्यू में क्या है, 8 क्या है, कैल्किरस आर्टिकुलेटिंग शेल प्लेट प्रेजेंट होता है। अगर हम यहाँ देखें तो ये, अगर ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का एंटीरियर रीजन है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का पोस्टीरियर रीजन है। तो एंटीरियर रीजन में फर्स्ट सेल प्लेट प्रेजेंट है, और क्या है, पोस्टीरियर रीजन की तरह 8 सेल्स सेल प्लेट
प्लेट प्रेजेंट है। अगर हम काउंटिंग करें तो हम देखेंगे ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन, और ये लास्ट वाला एट है। ये हमारा, ये जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है इनका जो गिल्स होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाहर की तरफ होता है मेंटल कैविटी पे। तो और उनके मल्टीपल नंबर्स है, कई पेयर्स में पाए जाते हैं। जो रेडुला और जो हमारा क्या है मेंटल होता है ये प्रेजेंट होता है। रेडुला यानी तिथ की बात कर रहे हैं हम, तिथ प्ले जो तिथ की तरह क्या है वर्क करता है रेडुला। और जो हमारा फुट है वो क्या है फ्लैट है और ब्रॉड है, जो कि ग्रिपिंग और हार्ड सबस्ट्रेटम में अटैच होने में हेल्प करता है। मेंटल कैविटी हमेशा पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बाइलेटरल सिमेट्रिकल है और ये ड्रोसोवेंट्रली फ्लैटेंड है। और जो इसका हेड है ये स्मॉल होता है, इनडिस्टिंक्ट होता है, विदाउट क्या होता है आइज होता है और टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो ट्यूबिक्यूल और स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इंटायर द पेरिफेरी। अगर हम पिक्चर में देखें तो यहाँ पे ये जो कैलकिरस इस तरीके का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसको हम ट्यूबिक्यूल कहते हैं। इसके अलावा जो शेल प्लेट होता है ये ओवरलैपिंग जो पार्ट होता है शेल प्लेट का उसे आर्टिकुलम कह देते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। और जो एक्सपोज जो पार्ट होता है उसको ट्यूगमेंटम कह देते हैं, तो ये हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो ट्यूगमेंटम है तो ये एक्सपोज्ड पार्ट है हमारा। नेक्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये डेंटलम है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम कॉमनली एलिफेंट टस्क शेल बोल देते हैं। एलिफेंट टस्क शेल इसलिए बोलते हैं, अगर हम इसके अपरेंस को देखें मॉर्फोलॉजी को देखें तो ये जो इसका अपरेंस है वो एलिफेंट के टस्क की तरह होता है, तो इसीलिए हम एलिफेंट टस्क शेल वर्ड ये यूज़ करते हैं या टर्म यूज़ करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें, फाइलम हमारा मोलस्का है और बॉडी क्या है सॉफ्ट बॉडी है, अनसेगमेंटेड है, शेल प्रेजेंट होता है, फुट प्रेजेंट होता है। क्लास क्या है हमारा स्कैपोडा है, जो जो इसका शेल होता है वो ट्यूबुलर होता है और ये ओपन होता है बोथ एंड। अगर हम पिक्चर में देखें तो ये हमारा क्या है डॉर्सल है और ये डॉर्सल ओपनिंग है हमारी और ये एंटीरियर ओपनिंग है हमारी और ये क्या है शेल है हमारा। जीनस क्या है डेंटलम। और हैबिट और हैबिटेट की अगर हम बात करें तो मराइन है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्लीन बिल्कुल सैंड पे पाया जाता है मराइन के अंदर। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये यूरोप स्पेसिफिक कोस्ट और न्यू इंग्लैंड में पाया जाता है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि इसको हम कॉमनली तुथ शेल या टस्क बोल देते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म ये दोनों जो क्या है दोनों बोथ साइड एंड क्या है ओपन होता है और सिलेंड्रिकल और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो हेड होता है वो अनडेवलप्ड होता है यानी इनडिस्टिंक्ट होता है, विदाउट क्या है सिफेलिक आईज यानी आईज एब्सेंट होते हैं। और माउथ में क्या होता है कि कुछ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कैप्चूला कहते हैं, जो कि फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। तो अगर हम देखें इसका ये एंटीरियर रीजन में कुछ इस तरीके का क्या है कुछ टेंटिकल्स क्या है मूव आउट हो जाते हैं, तो इनको जो कहते हैं हम लोग कैप्चूला कहते हैं, कैप्चूला जो कि क्या है फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। जो इनका मेंटल कैविटी होता है वो लार्ज होता है और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, बट इसमें क्या है गिल्स क्या है एब्सेंट होते हैं यानी टिनिडिया इसमें एब्सेंट होता है। सेक्सेस क्या होते हैं सेपरेट होते हैं और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है यानी इसमें लार्वल फॉर्म पाए जाते हैं, जैसे कि वेलेगर और ट्रोकोफोर लार्वा।
नेक्स्ट जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये ऑक्टोपस है, जिसको हम डेविल फिश बोलते हैं कॉमनली। अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो फाइलम हमारा मोलस्का है, सॉफ्ट बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अनसेगमेंटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, शेल प्रेजेंट होता है, फुट प्रेजेंट होता है। क्लास शिफेलोपोडा है, शिफेलोपोडा का मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके हेड पे क्या है, फुट प्रेजेंट होता है, उनको शिफेलोपोडा कहा जाता है। और वेल डेवलप्ड क्या है, आईज होते हैं और रेडुला होता है, जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में तित के फॉर्म में काम करता है। बट इन द केस ऑफ ऑक्टोपस ये जो रेडुला होता है ये क्या है, टंग में क्या है, मॉडिफाई हो जाता है ऑक्टोपस के केस पे। अगर हम हैबिट और हैबिटेट की अगर बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म मरीन वाटर में पाया जाता है, बॉटम ड्वेलर है, नॉक्टर्नल है, और अगर ये इसका फीडिंग हैबिट देखें तो ये फीड करता है किस पे, क्रैब पे, फिश पे, और स्मॉल जो मॉलस्क होते हैं उनको ये खाता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है। अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्टोपस को हम क्या है, डेविल फिश बोल देते हैं। जो बॉडी है ये डिविजिबल होता है हेड में, और दूसरा विसरल हम्प में। अगर हम पिक्चर में देखें तो ये हमारा क्या है, अगर पिक्चर में तो ये हमारा विसरल हम्प है, और अगर हम पिक्चर में देखें तो ये जो रीजन है तो ये हेड पे डिवाइडेड है, तो इसे हम कह रहे हैं हेड, यानी दो बॉडी पार्ट में डिवाइडेड है, तो हेड और विसरल हम्प। अगर हम हेड पे देखें तो आईज प्रेजेंट होते हैं, तो आईज हम देखें तो पिक्चर में तो ये हमारा आईज है। इसके अलावा शिफोन प्रेजेंट होता है हेड वाले रीजन पे, तो आप अगर ये वाला अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, हमारा शिफोन है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसके अलावा एट आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर हम काउंट करें तो ये एट आर्म्स होते हैं, टोटल नंबर एट आर्म्स होते हैं, और हर एक जो आर्म्स होते हैं उसमें क्या है, टू रोज ऑफ सकर प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे शकर कहा जाता है, तो टू रोज ऑफ शकर क्या है, प्रेजेंट है। और अगर मेल की अगर हम बात करें तो इसके मेल में एट आर्म में से वन जो आर्म होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है, स्पून शेप्ड हेक्टोकोटलाइज्ड आर्म में, मेल में, जो कि क्या है कि हेल्प करता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। इसके अलावा कि इनका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो फनल लाइक मीडिएट एक्सपेल्जन होता है, तो और वाटर क्या करता है, इस फनल से बहुत तेजी से बाहर की तरफ आता है, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म स्विम कर सकते हैं। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है फनल शेप, जिसको हम क्या कहते हैं, सिफोन बोलते हैं, तो इस सिफोन से क्या है, वाटर बहुत ही तेजी से क्या है बाहर की तरफ क्या करा जाता है, छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या करता है, स्विम कर सकता है। ऑक्टोपस में हम देखते हैं कि जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है, यानी ब्लड क्या है, ब्लड वेसल्स में क्या करता है, फ्लो होता है, और जो इनका ब्लड होता है वो हीमोसाइनिन होता है, यानी ब्लड में कॉपर प्रेजेंट होता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं क्रोमेटोफोर्स की मदद से क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, कैमोफ्लेज कर सकता है। इसके अलावा जो ऑक्टोपस होता है इनके पास इंक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इंक ग्लैंड क्या है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डेंजर, अगर जब इन्हें डेंजर फील होता है, तो डेंजर या थ्रेट फील होता है, तो इस वजह से क्या होता है, वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इंक को, जिसकी वजह से जो प्रे और प्रेडेटर होते हैं कुछ टाइम के लिए ब्लाइंड हो जाते हैं, तो
इनसे क्या होता है कि ऑक्टोपस को क्या है, हेल्प हो जाती है। अगर प्रेडेटर होगा तो वो एस्केप कर सकता है, अगर प्रे होगा उसके तो वो क्या करता है, उसको इजीली कैप्चर कर सकता है ब्लाइंड हो जाने के बाद। अगर हम इसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। नर्वस सिस्टम भी इसका कॉम्प्लेक्स है। डाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रैपिड होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो रेडुला है वो टंग में मॉडिफाई हो जाता है, और जो सलाइवरी ग्लैंड है वो मॉडिफाइड हो जाता है पॉइजनस ग्लैंड में। इसके अलावा एक चीज और है जो हमने डिस्कस नहीं की थी कि दो आम के बीच में क्या है, एक मसल्स का ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको वेव कहते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये ऑस्ट्रिया है, जिसको हम एडिबल ऑयस्टर बोलते हैं। एडिबल ऑयस्टर यानी हम इसको क्या करते हैं कि ये हमारे फूड में शामिल है। अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें, फाइलम हमारा मोलस्का है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है सॉफ्ट है, अनसेगमेंटेड है, शेल प्रेजेंट है, फुट प्रेजेंट होता है। क्लास प्लेसीपोडा है, जिसको हम बाइवॉल्विया कहते हैं। बाइवॉल्विया शेल इसलिए कहते हैं, इसमें टू शेल प्रेजेंट होता है। तो हम अगर ये देखें तो ये एक शेल है, ये दूसरा हमारा शेल है, तो ये वन ये टू, इसीलिए हम बाइवॉल्विया कहते हैं। जीनस ऑस्ट्रिया है। अगर हैबिट और हैबिटेट की अगर बात करें तो ये मराइन वाटर में पाया जाता है, सिडिमेंट्री है, अटैच्ड टू द रॉक है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, अटलांटिक, स्पेसिफिक कोस्ट और मैक्सिको और इंडिया में पाया जाता है। कॉमनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एडिबल ऑयस्टर बोलते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो फुट होता है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, और इसी वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शेल होता है परमानेंटली क्या होता है, अटैच हो जाता है रॉक के साथ बाय द बेसिस के साथ। तो ये बेसिस क्या है, एक फिलामेंट है जिसके थ्रू ये रॉक के साथ अटैच हो जाता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसका जो हेड है वो इनडिस्टिंक्ट है और विदाउट रेडुला है, जो है सिफेलिक आइज, और हमारा टेंटिकल्स एब्सेंट होता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। इनका जो गिल होता है वो लार्ज होता है, जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। गिल्स यानी यहाँ पे टेनेडिया की हम बात कर रहे हैं, तो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इसके अलावा क्या है, फूड कलेक्टिंग फंक्शन भी होता है इनका। और जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिल्टर फीडिंग होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हर्मोफोरेटिक होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। आज हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ मोलस्का को हमने स्टडी करा, उसमें हमने कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया है और उनके क्लासिफिकेशन को भी हमने क्या है, डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।